लक्ष्मी नारायण, राम राम, सीताराम। दोस्तों सभी को, सभी का घर खुशियों से भरे। देखो दोस्तों, इस समय थोड़ा सा दोपहरी का मौसम है, नहीं दोपहरी तो नहीं कहूंगी, सुबह के 10:15 बज रहे हैं और इस समय मैं कुछ थोड़ा सा अपना वर्क भी कर रही हूँ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं कुछ वर्क कर रही हूँ, अपना ड्राइंग का ही मेरा वर्क है। और दोस्तों मुझे फिर बाहर जाना है किसी काम के लिए और मैं आपको लेके चलती हूँ फिर से। देखो मेरे ब्लॉग ज़्यादा इतने अच्छे नहीं होंगे, अभी मेरी शुरुआत है और मैं कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट करती रहूँ और अपने ही छोटे मोटे सीन डालती रहूँगी। आप बस मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, आज मुझे बाहर फिर जाना है और वहीं उन्हीं गलियों में जाना है, वहीं के फिर से सीन बनाऊंगी कुछ। और आज मैं पकौड़ी भी मन कर रहा है, थोड़ी दोपहर तो होने वाली है, लेकिन बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मा चाय और पकौड़ी बना लो, मेरा भी मन है तला भुना खाने का दोस्तों। तो मैं तला भुना खाऊंगी, पकौड़ी बनाऊंगी, थोड़ा सा सीन आपको भी दिखाऊंगी और पकौड़ी कैसे बनाऊंगी वो भी देखिएगा और आप भी खाइएगा, आनंद लीजिएगा। दुनिया बरसात में ठंड के मौसम में पकौड़ी खाते हैं और हम गर्मी में पकौड़ी खाएंगे, उसका अलग आनंद लेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स आओ चलो हम पकौड़ी भी बनाते हैं और पकौड़ी खाने के बाद फिर मुझे जब जाना है शाम को, मेरी एक फ्रेंड है उससे मिलने जाना है, प्लस मुझे बैंक जाना है, बैंक में मेरा कुछ अपडेट करना है मुझे, उसके लिए मुझे बैंक जाना है। तो दोस्तों मेरी एक यही सीख है, खुश रहो क्योंकि खुशी मिलती नहीं है, खुद खोजनी पड़ती है। और खुशी कब कहाँ मिले पता नहीं, उसे ढूंढ लो और अपना मस्त रहो, मगन रहो। देखिए दोस्तों मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ और मैं अब थोड़ा सा एक दो स्केच तैयार करूँगी, एक दो स्केच बनाऊँगी, उसके बाद में मैं फिर पकौड़ी खा के तब मैं शाम के 4 बजे के आसपास जाऊँगी बाहर, क्योंकि 4 बजे तक तो काम होता है। अगर होता है बैंक में तो ठीक है, नहीं होता है तो कल जाएंगे, कल फिर घूमने का बहाना मिलेगा, क्योंकि इस घर में 4 दीवारों में, इन पकी पकी ईंटों में और इस ईंटों के मकान में सिर्फ बोरिंग के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं खुश तो रखना ही है क्योंकि इस समय स्कूल भी ऑफ चल रहे हैं। तो दोस्तों चलो मैं फिर मिलती हूँ और लास्ट में भी मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर अवश्य बोलूँगी। देखिए मृत्यु तो एक ना एक दिन अवश्य आनी है, लेकिन जितना हो सके जीवन को जी लीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं पकौड़ी खा के, पहले पकौड़ी बनाते हैं उसके बाद चलते हैं घूमने। पकौड़ी बन रही है, पकौड़ी खा लो भाई गरम गरम। सभी दोस्तों फ्रेंड्स पकौड़ी खा लो, आज हम पकौड़ी बना रहे हैं। मन कर रहा था तला भुना खाने का, बोर हो गए घर में दोस्तों, बोर हो गए घर में, पकौड़ी बना रही हूँ टेस्टी सी, आप सभी भी खाना पकौड़ी है ना। ओके ये देखो पकौड़ी, ये आलू काट रखे हैं, ये हरी मिर्च है, ये बेसन का घोल है, ये आलू है और ये देखो बहुत ही प्यारी प्यारी पकौड़ियाँ बन रही हैं। हाय राम, बोर हो रहे थे घर में, ऐसा लगता था जैसे भगवान कहीं चले जाओ, खेतों में काश गांव में रहना होता, जहाँ खेत होते, हरियाली होती, बड़ा ही आनंद आता। शहरों में तो बस बोरिंग लाइफ है, लेकिन फिर भी ठीक है, खुश हैं, फिर भी जीवन तो जीना ही है दोस्तों। ये तो है नहीं कि जीवन को नहीं जीना है। ये हमारी इधर चाय भी बन चुकी है, कितना प्यारा कलर है चाय का, टेस्टी टेस्टी सा चाय बनाएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों चाय पकौड़ी, अच्छे से पकौड़ी खा लो दोस्तों, खा लो पकौड़ी दोस्तों, फिर कर लेते हैं। करारी करारी खाने में मजा आता है, अगर आप बेसन में बना रहे हैं, अगर और करारी खानी है तो आप थोड़ा सा इसमें अच्छे से मंदी मंदी आंच पे थोड़ा सेक लो, फिर एकदम तेज कर दो इसको, बहुत क्रिस्पी करारी बनेगी। देखो हमारी भी पकौड़ी करारी बन रही है, और ये कहते हैं
इंसान की जो भूख होती है वो खाने से ही मिटती है, और एक भूख और मिटती है फ्रेंड्स, वो मिटती है अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, दूसरे को बड़ी खुशी देती है वो चीज़, और दूसरा आपको हजारों लाखों करोड़ों अरबों वाली एक दुआ देता है, बड़ी प्यारी सी दुआ देता है जिसमें आपको भी खुशी मिलती है और सामने वाले को मन से बहुत खुशी मिलती है कि वाह मेरा इस बंदे ने काम किया और मैं आज बहुत खुश हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन बहुत प्यारे से अच्छे से बोले, हमारे लिए दुआ दे, वो हमारे करोड़ों लाखों अरबों की हमारी दुआ होती है। देखो दोस्तों, पकौड़े फटाफट फटाफट डालते हैं ऐसे ऐसे करके, ये देखो गर्मी में तो खा लो पकौड़ियाँ, लेकिन क्या कभी मन चल रहा था तो भाई बनाना भी जरूरी था, इसीलिए हमने तो भैया बना डाली और अपने दोस्तों के लिए भी बना डाली। अब सब खाना, मैं भी खाऊंगी, आप भी खाना दोस्तों। पकौड़ी का तो चाय के साथ ही आनंद आता है, और आप सबको जैसे पसंद हो आप खाइएगा, मुझे तो चाय पकौड़ी अच्छी लगती हैं, खाली पकौड़ियाँ तो मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन जैसा आपको अच्छी लगे आप खाना। चाय भी बन गई हमारी, सब कुछ बन गई, अब सारी पकौड़ियाँ तल के गर्मी में फिर मिलते हैं। चाय और पकौड़ी, अब हम चाय पकौड़ी खाएंगे और आप भी खा लो। घर में अगर दूसरा कुछ खाने का मन करता है तो आज हमने पकौड़ियाँ बनाई हैं, पकौड़ियों का आनंद ले रहे हैं, तो आप भी आइए और खाइए। चलो पकौड़ी खाते हैं भाई, चाय पकौड़ी का स्वाद लेते हैं। आए हाय, गर्मी में गरम गरम चीज, गर्मी में गरम गरम चीज। वीडियो ऑन कर रही है, वीडियो ऑन कर रही है, साइड में दी वीडियो। हाँ हाँ कर दिया ना, चलो नहीं तुझे क्यों ले रहा हूँ मैं, क्यों लूँगा।
हमारा भारती पब्लिक स्कूल। गाइस आज मुझे फिर से कुछ काम याद आ गया और मुझे आज फिर जाना है बाहर, घर से बाहर भरी दोपहर में। मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से और मैं इस समय रोड पे चल रही हूँ। अपने श्रीमान जी के साथ हूँ, बाइक पर पीछे बैठी हुई हूँ। साइड में देखो दोस्तों, ये वही जहाँ मेरा पहले काम था। मैं फिर वहीं से उसी कॉलोनी में आई हूँ। ये देखो हरे भरे पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं और हमें गर्मी में राहत दे रहे हैं। ऐसा दिल करता है कि खाद डालो और यहीं सो जाओ। और दोस्तों देखो, हम गाड़ी को साइड में करेंगे। ये देखो दो गाय माता हमारे सामने आ चुकी हैं। गाय माता जगह दे दो हमें भी खड़े होने के लिए। ये देखो ये काली वाली गाय माता, वो लाल वाली उस दिन गाय माता। ये देखो साइड में देखो, पेड़ सारे कितने झुलस रहे हैं तपी गर्मी से, टेम्परेचर बहुत अधिक है। और देखो ये उसी दिन मेरी वीडियो में भी गाड़ी देखी थी। तब पता भैया। आज तो निकल गया है।